पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को 3/1/2024 को हमारे प्रतिबिंब मैप के जरिए एक सूचना मिली थी कि किसी के खिलाफ ठगी हुई थी। कुल 14 लाख का मामला था, तो तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई और छापामारी की गई और उप छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के आरोप में शिकायतकर्ता के द्वारा जो बताया गया था उस मोबाइल नंबर के आधार पर ठगी करने वाले गिरोह का पहचान करते हुए हमने कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा उनमें से उन पाँच के अलावा 2 नाबालिग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है। इन सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है। तत्पश्चात छापामारी दल के सदस्य SI सुनील कुमार सिंह जी के द्वारा समर्पित कंटित आवेदन के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 6324 दिनांक 4/2/2024 धारा संख्या 419 420 467 468 471 120B 34 के तहत और IT एक्ट संख्या 66D के तहत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और अभी गिरोह के अन्य सदस्य का पहचान किया जा रहा है। और गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है: अरुण प्रजापति, सकेंद्र कुमार, मिथुन कुमार, मोहम्मद फैजान, कुंदन कुमार। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये डिस्क्रिप्शन हम आपको बाद में दे देंगे। मतलब इसका इन लोग का आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? नहीं, इसके पूर्व कोई घटना की है? पूर्व कोई ऐसी घटना नहीं है। ये साइबर का मामला है और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का ये हिस्सा है। और भी कुछ लोगों के अभी हमें अरेस्ट करने की ज़रूरत है, और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। मामला क्या है सर, ठगी कैसे हुई थी? ठगी ये ऐसी हुई थी कि ये जो जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया था उनको एक व्हाट्सएप लिंक आया था, उस लिंक के जरिए उनको टेलीग्राम में शामिल किया गया। एक ग्रुप था टेलीग्राम में, उस ग्रुप में ऐसा होता था कि सभी को एक लालच दिया जाता था कि आप YouTube में सब्सक्राइब कीजिए, आपको 150-300 रुपये ऐसा फ़ायदा होगा। तो 3-4 बार ऐसे करके उनका ट्रस्ट जीता जाता था। उसके बाद उनसे बड़े पैसे मांगे जाते थे कि अब आपका अगला टास्क है कि आप 2000 रुपये दीजिए, फिर 5000 रुपये दीजिए। तो इस प्रकार जो ये व्यक्ति है इन्होंने कुल 14 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए जो इनको वापस नहीं आ पाए। तो कुल मामला ये है, बाकी हम जाँच कर रहे हैं। और जो कुछ सामान जब्त हुआ है उनमें से एक जो प्रतिबिंब मैप के जरिए हमें सिम का पता चला था वो है, उसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक है 3, एक हमें ATM मिला है और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। और छापामारी दल के हमारे सदस्य SI सुनील कुमार सिंह जी थे, मनोज पाल जी थे, श्री राम कुमार पंडित थे और इनके अलावा ईश्वर सहाय लकड़ा, सिकंदर सिंह और आकाश सिंह। कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई इन लोगों की? ये कुल 3 जगह से गिरफ्तारी हुई है, रांची, चतरा और हजारीबाग।